नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में विधानसभा चुनाव की को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ये साफ कह दिया है कि 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब आप पहले अखिलेश सिंह की ये बाइट सुनिए। चुके हैं कि अब जो आगे चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, नई कौन सी बात हो गई? मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग तेजस्वी यादव को तो हम लोग तो जब नीतीश जी उधर थे तब भी उनको मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़े थे। बयान के बाद कई सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सियासी मायने ये भी कह सकते हैं, क्या कांग्रेस ने नीतीश को झटका दिया है? क्या आने वाले दिनों में नीतीश के साथ कुछ बड़ा हो सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन जी। सर, पहला सवाल आपसे यही है, क्या बिहार में कांग्रेस ने नीतीश को झटका दिया है? क्योंकि अखिलेश सिंह के बयान से साफ साफ यही नजर आ रहा है, उन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते वो इस बयान को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और खुलकर बात रखने के क्रम में ये बात सामने आई है कि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही सरकार बनाएंगे। जब नीतीश कुमार बीजेपी में थे उस वक्त भी हमने तेजस्वी यादव के अगुवाई में ही चुनाव लड़ा था। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि जो नीतीश कुमार का बयान बीच बीच में आता है कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ जो उनका बयान सामने आया था 2-3 दिन पहले का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपसे दूर थोड़ी हैं, हम आपके बहुत नजदीक हैं, हम आपके बहुत करीबी हैं, तो नीतीश कुमार के बयान के बाद से कयास लगने लगते हैं कि कहीं नीतीश कुमार का मन फिर से तो बदल नहीं रहा है। नीतीश कुमार के मन में कहीं बीजेपी में बीजेपी के साथ जाने की बात तो सामने नहीं आ रही है। तो इसीलिए नीतीश कुमार पर भरोसा करना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए काफी मुश्किल हो रही है। और लालू यादव हों या आरजेडी के नेता हों, वो लगातार कांग्रेस पार्टी का साथ देती रही है, सोनिया गांधी का साथ देती रही है, राहुल गांधी का साथ देती रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि आरजेडी के मुकाबले जेडीयू उतना भरोसेमंद एलाय नहीं है, उतना भरोसेमंद पार्टनर नहीं है, भरोसेमंद सहयोगी नहीं है। इसीलिए जेडीयू पर भरोसा करने के बजाय, नीतीश कुमार पर भरोसा करने के बजाय, तेजस्वी यादव पर भरोसा करना ज्यादा अच्छा होगा, लालू यादव पर भरोसा करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सबसे पुरानी अलायंस पार्टनर है कांग्रेस पार्टी की आरजेडी, और इसी लिहाज से हम इस बयान को देख सकते हैं। सर, 2020 में जब चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस ने तेजस्वी को फेस कहकर, कह सकते हैं फेस करके चुनाव लड़ा था, तो क्या कांग्रेस को नीतीश पे भरोसा नहीं है? क्योंकि वो हर दल बदलते रहते हैं, पहले वो एनडीए के साथ थे, अब वो बिहार में मुख्यमंत्री हैं और वो आरजेडी के साथ चले गए, तो क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं रह गया नीतीश कुमार पे, जो तेजस्वी के फेस पर वो विधानसभा चुनाव 2025 में जो होगा उसको लड़ना चाहेंगे? देखिए, इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकना चाहती है जेडीयू से, आरजेडी से। और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अभी अगर उसने अपनी लॉयलिटी आरजेडी के प्रति साबित कर दी या घोषणा कर दी कि उसकी लॉयलिटी आरजेडी के प्रति है, तेजस्वी यादव के प्रति है, तो आरजेडी उसके लिए मुखर साबित हो सकती है, आरजेडी उसके लिए टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और आने वाले समय में ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आरजेडी और जेडीयू के समर्थन से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा ज्यादा सीटें कैसे मिले लोकसभा के चुनाव में, ये ज्यादा जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि वो जेडीयू की बजाय आरजेडी पर भरोसा करना ज्यादा मुफीद समझती है अपने आप को, और इसीलिए उसने आरजेडी पर भरोसा करना ज्यादा उचित समझा। बिहार में कांग्रेस जो है क्या महागठबंधन या गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी? क्योंकि आज के जो बयान अखिलेश सिंह का आया है उससे ये साफ हो गया है, तो क्या कांग्रेस का गठबंधन में चुनाव लड़ना एक मजबूरी माना जाए है या मजबूती है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि
सर आप बिना गठबंधन के कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने का जोखिम मोल नहीं ले सकती है। उससे कोई ना कोई ऐसा दल चाहिए, कोई ऐसा बड़ा दल चाहिए जिसकी अगुवाई में वो पीठ पकड़कर आगे का रास्ता अख्तियार कर सके, आगे का रास्ता तय कर सके। और बिहार में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, बीजेपी के साथ कांग्रेस जा नहीं सकती है, इसीलिए बीजेपी को छोड़ दें अगर तो जेडीयू और आरजेडी दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं जो कि वहां पे सरकार में है या उनकी मुख्य भूमिका बिहार की राजनीति में है। ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी को यह फैसला करना पड़ेगा कि वो या तो जेडीयू के साथ रहे, या नीतीश कुमार के साथ रहे, या तेजस्वी यादव के साथ रहे, या आरजेडी के साथ रहे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार तेजस्वी यादव के साथ या कहें कि आरजेडी के साथ लगातार बनी रही है, इससे पहले भी अलायंस आरजेडी के साथ ही रहा है कांग्रेस पार्टी का। ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो जेडीयू के बजाय आरजेडी को पसंद करे और आरजेडी के साथ जाने का ऐलान अभी पहले से कर दे ताकि आरजेडी के नेताओं को सीट देने में, लोकसभा चुनाव में सीट देने में कोई दिक्कत ना हो। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक तेजस्वी यादव को लेकर बयान आया है कि ये बच्चा हमारा सब कुछ है, तो उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, उसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हैं कि बच्चा हमारा सब कुछ है, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव को बच्चा ही समझते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया कांग्रेस और आरजेडी अलायंस की तरफ से, या कहें कि कांग्रेस आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी अलायंस की तरफ से, उसके बाद कांग्रेस आरजेडी की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा तेजस्वी यादव की अगुवाई में। जब चुनाव लड़ा गया तेजस्वी यादव की अगुवाई में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता। इसके बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद भी, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बच्चा ही समझते हैं तो वो एक बड़ी बात ये है, कहने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव को भले ही इज्जत दे रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन अभी भी राजनीति में जो कद एक उनका होना चाहिए वो कद की स्वीकारोक्ति नहीं है। जी, थैंक यू सर। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बिहार की राजनीति में और क्या क्या नया देखने को मिलता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफी लंबा वक्त है, ऐसे बयान तो आते ही जाते रहेंगे। हालांकि अब अखिलेश सिंह के इस बयान पर तेजस्वी की क्या प्रतिक्रिया आएगी, उस सबका हम इंतजार करेंगे। ऐसी और पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।